हिंदी को राजभाषा घोषित कराने वाले अहम लोगों में से एक मोटरू सत्यनारायण का जन्म 2 फरवरी 1902 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी के प्रचार और प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई। दक्षिण भारत में हिंदी के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। केंद्रीय हिंदी संस्थान और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जैसी संस्थाओं के माध्यम से हिंदी के विकास कार्यों को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। संविधान भाषा के अनुभाग के लिए मसौदा समिति के सदस्य रहे। 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। 6 मार्च 1995 को मोटरू सत्यनारायण का निधन हो गया।